Hi, dear student of class 7, I am Ajit sir. Now we are start again exercise 6C. This is the second part of this exercise. Before it, we have to solve it. Is it question number 19. Today we are start again from question number 20. Okay. This is the question number 20. Simplify each of the following 20 questions. A. In first bracket B minus C. Plus B and the bracket C minus A plus C and the bracket A minus B. Okay बेटा, तो देखो rules आपके वही, ठीक है ना? क्या करना है? कि जैसे कि आप bracket को means bracket के जो outside में, उसका multiply bracket के inside के both numbers से. जैसे A का multiply B से होगा बेटा, A भी आ जाएगा. यहाँ minus है minus है. A का मल्टीप्लाई C से होगा बेटा A C आ जाएगा, ये हो गया. ओके, देखो बेटा यहाँ प्लस है, यहाँ कोई शायद नहीं, मतलब प्लस ही आएगा. B का मल्टीप्लाई C से होगा बेटा B C हो जाएगा. यहाँ पर बेटा प्लस है, यहाँ पे माइनस. जब अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई होता है माइनस आता है बेटा. कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको यही माइंड करना है कि बेटा जहाँ पे भी अगर ये सब पॉजिटिव है, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, तो इन साइड का जैसा भी जिस साइन का टर्म होगा वही रहेगा. जैसे यहाँ कोई साइन नहीं, पहले वाले टर्म के लिए अगर कोई साइन नहीं है तो बेटा प्लस लगाना है, और ये हमारा स्टार्टिंग का है इसलिए हम प्लस नहीं लगाएंगे. लेकिन यहाँ देखो ये मिड का आ रहा है, तो यहाँ पे ये बेटा कोई साइन नहीं है, तो ये चीज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया. अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस करो. अब बी का मल्टीप्लाई ए से हो जाएगा, बेटा ये आपका आ जाएगा ए बी या फिर बी ए, जो भी कह दो बातें बिल्कुल आपकी सेम. तो यहाँ पे भी बेटा सी का मल्टीप्लाई ए सी होगा, प्लस आएगा साइन, तो ये बेटा हो जाएगा ए सी, सी ए के लिए या फिर ए सी. अब सी का मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा माइनस है, माइनस होगा. सी का मल्टीप्लाई बी से होगा बेटा बी सी आएगा, बी सी कही गए या फिर सी भी कही, वो था से. अब देखिए बेटा यहाँ पे ए बी माइनस ए बी कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी जीरो. ए सी माइनस ए सी, देखो ये प्लस है माइनस दोनों अपोजिट साइड के हैं, तो ये भी बेटा कैंसिल हो गया, जीरो हो गया. तो प्लस बी सी है और ये माइनस बी सी, ये भी बेटा कैंसिल, जीरो हो गया. तो यहाँ पे बेटा आपका आ गया फाइनली जीरो. ओके, ये इसका आंसर होगा. कितना है जी, ऐसे ही करना है. क्वेश्चन 20 हो गया बेटा, 21 ऐसे ही है. मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. चलो 23 को मैं कर देता हूं, तो 22 आप कर लेते हैं, ठीक है ना? 22 आप कर लेते हैं, ठीक है. चलो 22 को ही कर लेता हूं, छोड़ 22. क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, 3x square plus 2 in bracket x plus 2 minus x plus 2 minus 3x in bracket 2x plus 1. यह है बेटा आपका क्वेश्चन 22. ठीक, 3x square plus 2 in bracket x plus 2 minus 3x in bracket 2x plus 1. ओके बेटा, अब देखो बेटा सेम वही रूल करेंगे. ये देखो 3x square ही होगा, ये टर्म बिल्कुल आपका सेपरेट हो गया. प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई x होगा बेटा 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा प्लस साइन, तो प्लस पहले आप यहां प्लस लगा दो, 2 2 जब बेटा हो जाएगा 4. ओके, अब देखो यहां माइनस साइन है भाई. अब यहां पे आपका जब माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये समझ जाइए जिसमें भी मल्टीप्लाई होगा इन साइड के ऑल टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से पहले कर लो, पहले वाले टर्म में, ठीक. तो पहले हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टू 6 माइनस 6 एक्स का मल्टीप्लाई एक्स होगा बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, अब फिर इसके बाद देखो माइनस 3 का मल्टीप्लाई
प्लस वन से करेंगे तो माइनस थ्री आएगा और यहाँ जैसे इसमें कुछ नहीं तो ऐसे राइट कर दो, ये हो गया। अब बेटा देखो लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का ये टर्म है, एक्स स्क्वायर का ये टर्म है, तो ये है बेटा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ओके अब एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं बेटा, ये है प्लस टू एक्स और ये है माइनस थ्री एक्स, यहाँ प्लस फोर है वो सिंगल कर देते हैं, ये ऐड कर लिया बेटा। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, दोनों के वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स भी हम देखते हैं कि वो लाइक टर्म है कि नहीं, तो ये हमारे लाइक टर्म है, यहाँ बेटा माइनस सिक्स है यहाँ पे प्लस थ्री है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, जब दोनों टर्म आपके अपोजिट साइन के हैं तो बेटा जो आपका डिजिट ग्रेटर होता है उसमें से स्मॉल डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सिक्स से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा आएगा थ्री, लेकिन साइन यही ग्रेटर डिजिट वाला रहेगा, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा देखो ये है प्लस टू एक्स ये माइनस थ्री एक्स, सेम उसमें भी कंडीशन थ्री से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे वन आएगा और साइन इसका लगेगा बेटा माइनस का माइनस वन और देखो इसमें एक्स है, तो बेटा अगर वन होता वन का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा, इसलिए यहाँ पे वन नहीं रहेगा। ओके वन नहीं रहेगा ये हो गया, और प्लस आपका लास्ट में फोर है ये राइट कर, ये बेटा आपका हो गया। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 23 को कर लेंगे, ठीक है ना, 23 आप कर ले लेंगे, सिर्फ ऐसा ही है, 24 भी ऐसे ही है, 24 को भी नहीं बताने वाला हूं मैं, चलो 23 को मैं करा ही देता हूं भाई, चलो 23 को मैं करा ही देता हूं बेटा, 23 है x प्लस हाँ सॉरी x इन ब्रैकेट x प्लस 4 x इन ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस 3x इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1 3x इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1 और है इसके बाद बेटा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा इसको भी ब्रैकेट को ओपन करो, x का मल्टीप्लाई x है x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस 4 से, बेटा यहाँ पे पहले प्लस साइन लगा दो, x का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4x आ जाएगा। ओके प्लस 3 टू जो देखो पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो बेटा यहाँ प्लस साइन है तो प्लस यहाँ पे देखो पॉजिटिव इसलिए प्लस साइन लग जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा एक्स पावर थ्री हो जाएगा बेटा। ओके एक्स पावर थ्री और देखो थ्री एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन से बेटा, यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस लगा दो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में प्लस साइन है, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री एक्स से होगा, किसी भी नंबर से होता है वन का मल्टीप्लाई तो बेटा वही आता है थ्री एक्स, और ये देखो ब्रैकेट के बाहर है वो जैसे करना है वैसे राइट कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4। ओके बेटा अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, पहले x पावर 3 वाले 6x पावर 3 क्योंकि और कोई टर्म नहीं है 6x पावर 3 वाला, x पावर 3 का कोई टर्म नहीं है इसको पहले राइट कर लिया, फिर देखो बेटा ये x स्क्वायर फिर है प्लस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, फिर इसके बाद x वाले टर्म को बेटा राइट करते हैं प्लस 4x माइनस 3x, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म 4 को राइट कर देते हैं बेटा, यहां पे देखेगा ये बेटा ये देखेगा क्योंकि ये भी टर्म है 6x पावर 3, अब देखो प्लस x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर मतलब प्लस 1x स्क्वायर, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 5x स्क्वायर प्लस 4x है माइनस 3x, 4 से 3 जाएगा बेटा बचेगा 1 और पास के वाला ग्रेटर है इसलिए प्लस 1x आएगा, और 1 को मैंने बताया 1 से x को मल्टीप्लाई करने पर x आएगा इसलिए इसको इतना ही राइट कर देते हैं मतलब x। ओके और लास्ट में हो गया, तो ये बेटा आपका आंसर। ओके इसको भी राइट कर लो, क्वेश्चन नंबर 24 भी आप कर ले जाएंगे,
बेटा इसके बात करना है आपको, क्वेश्चन नंबर मैं 26 को करा देता हूं और बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 26 है बेटा 4st इन ब्रैकेट s माइनस t माइनस 6s स्क्वायर t माइनस t स्क्वायर ये माइनस 3t स्क्वायर इन ब्रैकेट 2s स्क्वायर माइनस s ओके प्लस 2st इन ब्रैकेट s माइनस t ओके बेटा ये। अब देखिए ब्रैकेट को हम पहले बेटा ओपन करेंगे तो 4 देखो पहले टर्म s है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा हो जाएगा 4ss s का पावर 2t इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहां माइनस साइन है ये बेटा पॉजिटिव है तो यहां पे जो साइन इनसाइड करेगा वही रहेगा। अब देखो अब बेटा ये 4st का मल्टीप्लाई t से होगा तो t और का स्क्वायर हो जाएगा बाकी वही रहेगा 4st स्क्वायर। अब यहां पे बेटा क्लियर करके माइनस साइन है इन साइड के ऑल साइन चेंज हो जाएंगे माइनस बेटा यहां कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे साइन बेटा माइनस का आएगा तो माइनस लगा दिया s 6s स्क्वायर का t से होगा बेटा 6s स्क्वायर t ही आएगा ओके। अब देखो यहां पर माइनस आ गया बाहर भी माइनस है बेटा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6s स्क्वायर t स्क्वायर ओके बेटा ये हो गया। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस है बेटा यहां पे क्लियर करना है तो इनसाइड का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 3 टू द 6s स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा ठीक बेटा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा। अभी एस है यहाँ पे 3s t स्क्वायर हो जाएगा ठीक बेटा। अब देखो अब यहाँ पे प्लस 2 है तो इसका इस साइड का जैसा साइन रहेगा वही साइन रहेगा तो ये है बेटा 2st तो यहाँ पे पहले एस में हो रहा है 2s और 2s स्क्वायर t ये हो गया बेटा। अब यहाँ माइनस है माइनस करो अब देखो 2st का मल्टीप्लाई t से होगा बेटा 2s t स्क्वायर ये हो गया। अब लाइक टर्म्स को बेटा एक साथ कर लेते हैं ओके। देखो लाइक टर्म ये है s स्क्वायर t वाले टर्म को पहले हम कर लेते हैं चलो पहले हम s स्क्वायर t स्क्वायर देखो ये दोनों बेटा 6s स्क्वायर t स्क्वायर और ये क्या है माइनस 6s स्क्वायर t स्क्वायर सेम वैल्यू ठीक लाइक टर्म्स है और सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइड है बेटा इनको आप कैंसिल कर लो जीरो हो जाएंगे। अब देखो बेटा अब इसके बाद हम कर लेते हैं s स्क्वायर t वाले टर्म को एक साथ s स्क्वायर t वाले टर्म को देखो ये हो गया 4s स्क्वायर t ठीक। अब पॉजिटिव वाले को पहले देख लेते हैं यहां पे अब इधर 2s स्क्वायर t प्लस 2s स्क्वायर t और ये इधर देखो बेटा माइनस 6s स्क्वायर t ये टर्म को मैंने ले लिया। अब st स्क्वायर वाले टर्म पे आ जाते हैं बेटा यहां पे देखो माइनस 4st स्क्वायर है अब बेटा ये है यहाँ पर 3st स्क्वायर ठीक और ये है माइनस 2st स्क्वायर ठीक पहले 3st स्क्वायर को प्लस 3st स्क्वायर ये राइट साइड है ये बेटा माइनस 4st स्क्वायर ठीक और यहाँ पे बेटा माइनस 2st स्क्वायर ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे इन सबको ऐड कर लेते हैं ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं 6s स्क्वायर t यहां पे हो जाएगा माइनस 6s स्क्वायर t ओके बेटा ये हो गया और ये है प्लस 3s
टी स्क्वायर है, देखो बेटा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा बेटा, सिक्स एस टी स्क्वायर। ओके बेटा देखो ये दोनों राइट टर्म्स हैं, एस स्क्वायर टी दोनों में है और सिक्स दोनों में, बट यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो बेटा ये कैंसिल जीरो हो गया, ये टर्म बचा आपका थ्री एस टी स्क्वायर माइनस सिक्स एस टी स्क्वायर, डिजिट ये ग्रेटर है बेटा क्योंकि अपोजिट साइन पे है, तो सिक्स से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा बेटा थ्री, और साइन किसका लगाएंगे माइनस का क्योंकि वो डिजिट आपको ग्रेटर था, माइनस थ्री और आपका जो वेरिएबल से वही राइट कर जाएगा एस टी स्क्वायर, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा माइनस थ्री एस टी स्क्वायर। ओके उसको राइट कर लेंगे, आपको करने कौन कौन से हैं अब उस पर आ जाते हैं। डू योर सेल्फ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इन ब्रैकेट वन माइनस टू एक्स पावर थ्री, ओके बेटा, प्लस एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन, इसको भी बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये भी करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 ए स्क्वायर बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इन ब्रैकेट फोर ए बी माइनस टू ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ए क्यूब इन ब्रैकेट ए क्यूब बी इन ब्रैकेट वन माइनस टू बी। ओके बेटा ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके बेटा ये क्वेश्चन आप करेंगे और आपका चैप्टर रहेंगे, ये चैप्टर रहेंगे फिनिश हो जाता है बेटा। ओके मल्टीप्लिकेशन टू बाइनोमियल, ओके टू बाइनोमियल्स का हम कैसे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल्स ओ है बेटा बाइनोमियल्स ना, देखिएगा अगर हमारे पास मान लो बेटा टू बाइनोमियल्स हैं, ठीक
देखिए लेंथ 2 by 2 साल टू वायर्स है यहाँ पे ए प्लस बी है एंड सी प्लस डी बायनॉमियल्स मींस जिसमें बेटा टू टर्म्स हो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनॉमियल्स। ओके तो ये देखो बेटा बायनॉमियल्स हैं और अब इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है their product इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में बेटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी ये है। देखो इनको कैसे करेंगे बेटा देखो बेटा हॉरिजॉन्टल मेथड से ये कर रहा हूं ये आपका बेटा मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड डी का मल्टीप्लाई बी से होगा तो बेटा बी डी आ जाएगा। ठीक
इसको राइट करते हैं। देखो C का मल्टीप्लाई A से, AC C का मल्टीप्लाई B से बेटा, तो BC लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई मैंने बताया है करना है, तो लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड में डाउन वाले का पहला टर्म है C, C का मल्टीप्लाई जस्ट उसके ऊपर पहले करना है तो AC हो जाएगा, फिर इसके बाद C का मल्टीप्लाई B में हो जाएगा, BC हो जाएगा साइन के साथ। अब देखो अब इसके बाद राइट साइड का ले लेते हैं, तो D का मल्टीप्लाई पहले A से होगा बेटा ठीक, और AD आएगा तो AD इसमें से कोई नहीं लाइक टर्म नहीं है मतलब साइन में राइट करेंगे, फिर इसके बाद D का मल्टीप्लाई B से होगा तो BD। अब बेटा इनको ऐड कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AD प्लस BD। देखो ये याद रखना ये था वो बेटा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6D को सॉल्व कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में बस इतना।